उदाहरण चार, दो बराबर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय बेलनों के आधार की त्रिज्या 3:4 के अनुपात में है, इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हल, मान लीजिए कि दोनों बेलनों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 और R2 तथा ऊंचाई h है। चूँकि बेलन की आधार की त्रिज्याएं क्रमशः 3:4 के अनुपात में हैं, इसलिए R1/R2 बराबर 3/4, या हम कह सकते हैं कि R1 बराबर 3R और उसी तरह से R2 बराबर 4R। अतः पहले बेलन का आयतन बराबर पाई R1/2H, उसी तरह तथा दूसरे बेलन का आयतन बराबर पाई R2/2H, इसीलिए दोनों बेलनों का आयतन का अनुपात होगा पाई R1/2H बटा पाई R2/2H बराबर R1/2/R2/2, या पाई R1/2H बटा पाई R2/2H बराबर R1 बराबर हमारे पास 3R है, 3R/2, इसको कोष्टक में लिखेंगे, और R2 का मान 4R है, तो 4R कोष्टक के बाहर, इसकी घात 2। इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3R/2 बराबर 3^9 R/2 बटा 16, 4 × 4 = 16, R/2 बराबर R/2 अंश और हर से कट जाएगा तो हमें प्राप्त होगा 9/16। इस तरह से हमने दोनों बेलनों के आयतन का अनुपात ज्ञात किया, 9:16, यह इस उदाहरण का हल होगा।